फरवरी को होना है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने पूरा जोर लगा रहे हैं जीत हासिल करने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बदायूं की बिलसी विधानसभा 114 नंबर से बीएसपी की प्रत्याशी ममता शाक्य जी जुड़ी हुई हैं। उनसे जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वे अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, कितना उनको प्यार जनता का मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है ममता साकी जी आपका हमारे चैनल जन टीवी पर। जी ममता जी, आप बीएसपी से प्रत्याशी हैं, आप घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, कितना सहयोग आपको मिल रहा है इन चुनावों में जनता का? मैं डोर टू डोर वोट जनता से अपील कर रही हूँ और मुझे जनता का बहुत सारा सहयोग, तो बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जी जी ममता जी, आप क्षेत्र की जनता की सेवा कितने वक्त से करती आ रही हैं और किस तरह से आप आगे जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी? सर, मैं 2015 से जुड़ी हुई हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ और मुझे जनता का इतना अपार प्यार भी मिला है। मुझे 5,000 वोटों से जीत हुई है। लगातार मैं सेवा भी करती आ रही हूँ 6 साल जी से। तो मैं जनता के बीच में रहती हूँ, दुख सुख में शामिल रहती हूँ, उनके हमेशा साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे जनता का अपार प्यार मिल रहा है। जी ममता जी, हालांकि आप जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं और हमेशा उनके साथ उनके हर सुख दुख में रहती हैं, लेकिन अगर चुनावों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वक्त थोड़ा कम मिला है आपको चुनावों में। अब ऐसे में आप अपने मुद्दे, अपने कौन-कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में हैं? पर समय तो कम मिला हुआ है, जी मगर मुद्दे देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो यही है कि रोडवेज यहाँ पे नहीं है। काफी समय से दिक्कतें जो लोग झेलते आ रहे हैं, तो मैं जनता का प्यार और सहयोग मिला तो मैं सबसे पहले रोडवेज देने का काम करूंगी। जी ममता जी, तो काफी समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है मेरे लिए, तो मैं देखती हूँ नाली खरंजी जी मजदूरों को दिक्कतें होती हैं बहुत ज्यादा। तो अगर जनता का मुझे विधायक चुनती है, लोकल का विधायक चुनती है, तो मैं ये सारे क्षेत्र में विकास करूंगी। ममता जी, बहुजन समाज पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको टिकट दिया है बिलसी विधानसभा से, कितना खरा उतरने की आप इस पर कोशिश कर रही हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जो मुझ पे भरोसा जताया है, तो मैं उसके बहुजन समाज पार्टी के उस पे खरा उतरूंगी। जी और जी ममता जी, बड़ी चुनौती होगी आपके सामने क्योंकि भाजपा भी आपके सामने है, समाजवादी पार्टी भी आपके सामने है और तमाम पार्टियां हैं, लेकिन बिलसी की जनता आपका सहयोग कर रही है। कितना आपको लगता है कि इस बार बिलसी की जनता आपको सहयोग दे रही है और आप जीत की ओर आगे बढ़ रही हैं? जनता का बहुत सारा जनता मेरे जन बहुत सारी जनता मेरे साथ है और बहुत सारा सहयोग मिल रहा है मुझे जनता से। इसीलिए जी सारी मतों से जिताने का वादा कर रही है, तो मैं भी उनकी बातों पे खरा उतरूंगी। जी ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।